के दो नए फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आ गए हाथ में। जिंदगी काफी स्मार्ट होती चली जा रही है और इन दो प्रोडक्ट्स में सैमसंग ने काफी इनोवेशन करी है। इस वाली स्मार्ट वॉच में कंप्लीटली नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का और सैमसंग का मिला के एक बहुत ही एपिक सी चीज बनी। और इन वाले ईयरफोन भी काफी एक्साइटिंग फीचर, और हमने पुराने सैमसंग वाले ईयरफोन ट्राई किए उसमें भी काफी मजा आया था। बट इसको खोल लिया जाए, ये वाले हैं बड्स 2। इसमें काफी ऐसे पर्पस बना रखा है, बैक साइड में तीन चार फीचर लिखे हैं, बट हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आवाज के अंदर है। ये हमारी पुस्तक, ईयरफोन चलाने के लिए अगर इतनी मोटी पुस्तक देनी जाए, मतलब फीचर काफी ज्यादा डालेंगे। बाहर पर्पल बना था भाई, ये ईयरफोन व्हाइट कलर के कैसे, और ईयरबड्स पर्पल से कलर के लग रहे हैं भाई। दया कुछ गड़बड़ लग रही है। चार्जिंग केबल काफी स्टैंड सी यूएसबी टाइप सी है, और ये है फाइनली हमारे ईयरफोन। बैक साइड में एक यूएसबी वाला पोर्ट है, और यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ऐसी पर्पल सी लाइन जा रही है इधर से उधर। बोल लेते हैं भाई कुछ अलग सा है क्या। अंदर से पर्पल कलर, इसमें लिखा हुआ साउंड बाय AKG और AKG यूनिट। हम भी जो प्रोफेशनल हेडफोन्स यूज करते हैं AKG होते हैं, काफी अच्छा ऑडियो वाला काम करते हैं मजेदार सा। इस टाइप के जो ईयरफोन्स होते हैं ना, इनको एक्चुअली कान में डाल के आपको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है, तब एक करेक्ट फिट आती है। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, इसमें तीन नॉइस कंट्रोल वाले मोड है। एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जिसमें अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा, और ये एक ऑफ मोड है जिसमें बेसिकली सारी चीजें ऑफ हो जाती है, और ये एक एम्बिएंट साउंड मोड है। और एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज ये कि आप एक्चुअली ये एम्बिएंट साउंड इंक्रीज कर सकते हो। एम्बिएंट साउंड जो लोगों को नहीं पता, ये एक्चुअली बाहर की आवाज सुनता है, फिर एक्चुअली माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता है, उसको ऐसे एम्पलीफाई करके अंदर प्ले करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर जो चीजें हैं वही हमको अंदर भी आ रही है। बट ये क्योंकि माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा है तो ज्यादा तेज भी प्ले कर सकता है, और मेरे को अपनी आवाज ही बहुत ज्यादा तेज आ रही है। और देखते हैं एक्चुअल हम कान से कहां तक सुन सकते हैं, और इन ईयरफोन्स का कहां तक सुन सकते हैं। अंदर वो खड़ा है, मेरे को यहां तक एक्चुअली अगर मैं कान से सुनूं तो मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ ये आ रही है भाई, आ रही है भाई। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हाइज होती है उसको थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट करता है। तो एक्चुअली अगर आप एम्बिएंट साउंड सुनोगे, आपको श या एस वाली साउंड है वो काफी तेज आती है, और वो काफी दूर तक भी सुनाई देती है। तो भाई वो मेरे को काफी हद तक क्लियरली सुनाई देती है। और भी काफी सारे ऑप्शन है, फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन है, आप टैप कर सकते हो, डबल टैप कर सकते हो, ट्रिपल टैप कर सकते हो, और होल्ड कर सकते हो चेंज करने के लिए। और भी छोटी छोटी चीजें जैसे इसमें ईयरबड फिट टेस्ट, इसके फिट को टेस्ट करने के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन से लेके जाना पड़ेगा। ब्लड्स को हम दबाएंगे स्टार्ट का बटन, एक जंप टेस्ट भी करना जरूरी है। गाना बजा लिया जाए भाई, बेसिकली जो छनछन वाली आवाजें होती हैं, जैसे शहनाई बजती है, जिन लोगों की पतली आवाज होती है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा क्रिस्प है, काफी ज्यादा बूस्टेड है, और अच्छी भी लगते हैं गाने वाने सुनने में। और जो बेस है वो भी काफी अच्छा सेग्रीगेटेड है। गाने सुनने के लिए, मजे करने के लिए, यूट्यूब वीडियो देखने, तो डेफिनेटली काफी अच्छे साउंडिंग ईयरफोन्स है। बट इसकी साउंड थोड़ी बूस्टेड है, तो नेचुरल साउंडिंग ईयरफोन्स आप इनको नहीं बोल सकते। बट दोस्तों नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर लीजिए, सैमसंग वॉच 4। इस वाले के लिए वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इसमें गूगल का जो वेयर ओएस 3 है उसके साथ साथ सैमसंग ने अपना बनी हुई भी मिक्स कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग मिश्रण बन गया, और काफी सारे फीचर अनलॉक हो गए हैं। तो हम भी इसके लिए ट्राई करने के लिए वेट कर रहे थे। छोटी छोटी पुस्तक, काफी स्टैंडर्ड था हमारा एक मैग्नेटिक चार्जर। ये है सैमसंग की नई गैलेक्सी वॉच 4। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, काफी मिनिमल सी स्मार्ट वॉच है, और बहुत ही कम एलिमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। ब्लैक फिनिश, पूरे एक सर्कुलर मेटल फ्रेम है, और यूजुअली वॉचेस में क्या रहता है, जो बैंड का कनेक्शन होता है काफी स्ट्रेट सा होता है, बट इसमें पूरा एक एज टू एज कर्व है, और एकदम ऐसे सीमलेस सा लग रहा है। बेसिकली मुझे इस टाइप के डिजाइन पसंद है, क्योंकि मेरे बाल नहीं बसते इसमें। फोन कर लिया भाई, बेसिक मॉन से बताऊं, यहाँ पे सामने मैंने इतनी बड़ी सी ऐसे लाइट लगा रखी है, तब भी मेरे को काफी हद तक क्लियरली दिख पा रहा है वॉच पे क्या क्या चल रहा है। इसमें एक 1.4 इंच की स्क्रीन है, और जो एक्चुअल डिस्प्ले का फ्रेम रेट भी है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। एक नॉर्मल जैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन होती है उसी का मेरे को ये भी याद दिला रही है, और हाथ में ऐसे भाई काफी स्लीक सी लग रही है। बट एक चीज मैंने और नोटिस करी, इसमें ये जो दो बटन है साइड में, ये दोनों कस्टमाइजेबल है, और मेरे को एक बहुत ही एपिक चीज ये लगी, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड और सैमसंग दोनों का इंटीग्रेशन है। तो मैं लिटरली अपने फोन की काफी सारी चीजें, जैसे अगर मैं इसको डबल टैप करूं तो मैं अपने स्मार्ट वॉच एक्चुअल फोन पे कैमरा खोल सकता हूं, और मेरा अगर मन करे तो मैं भाई इसको अपने फोन के कैमरा को यहां से कंट्रोल कर सकता हूं, फोटो खींच लेंगे भाई। वेरी नाइस सीमलेस, जितने भी नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस होते हैं उसमें आपको वॉच फेसेस चेंज करने, तो उसमें बहुत सारे आपको देखने में जाते हैं। मोर वॉच फेसेस पे जाओगे, एक्चुअल आप प्ले स्टोर पे भी सारी एप्स देख सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके हमने स्पॉटिफाई भी इंस्टॉल कर रखा है, यूट्यूब म्यूजिक भी, उसके बाद काफी सारी और भी चीजें, गूगल मैप्स भी इसमें डायरेक्टली खोल सकता हूँ, बट दिखाएंगे नहीं लोकेशन, क्योंकि वेरी वेरी प्राइवेट हम रहने वाले हैं। और छोटी छोटी चीजें जो काफी सारी स्मार्ट वॉचेस में आप नहीं कर सकते, जैसे आप इसमें डायरेक्टली फोन भी मिला सकते हो, और जिसका हायर वाला वेरियंट है उसमें एक ई सिम का भी ऑप्शन है, जिसमें आप एक्चुअली एक सिम इंस्टॉल करिए, जितनी भी मोबाइल वाली चीजें सब कर सकते हो। एक्चुअली भाई हम कॉल कर सकते हैं, आप देखो कॉल वाला बटन है। हेलो वेंकटेश, कैसे हैं भाई। और म्यूजिक भी अगर आपको प्ले करना हो तो आप स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूजिक दोनों पे ही प्ले कर सकते हो। इसमें जैसे प्ले करके दिखाता हूं मैं, ओ भाई वॉच में भी गाना सुन सकते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, वॉल्यूम भाई कम करनी हो
तो ऐसे इस पर स्वाइप कर सकते हैं। और एक चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, जो इंटीग्रेशन है वॉच का, फिर ईयरफोन्स का, फिर एक्चुअल स्मार्टफोन का, इतने एक साथ जाते हैं। तो मैं लिटरली स्मार्टफोन पे प्ले करता हूँ म्यूजिक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो सेम चीज प्ले करना स्टार्ट करता हूँ और मेरे ईयरफोन्स भी डायरेक्टली इजी से कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर मैं जिम में और मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, तो मैं इससे सारी चीजें, म्यूजिक है, कॉल्स है, मैसेजेस है, सब कंट्रोल कर सकता हूँ, जो डेफिनेटली काफी बड़ी बात है। एक और काफी मस्त चीज, जो वॉच फेसेस है ना, वो एक्चुअल मूविंग है, तो बहुत ही एपिक सी लुक देते हैं, क्योंकि एनिमेटेड से फ्रेम रहते हैं। ये हमने चेहरा लगा दिया, इसको डन कर दिया, चेहरा हमारा अब अपडेट हो जाना चाहिए, इंस्टेंट एप्लीकेशन भाई। एक चीज मैं नोटिस करी, ऑल्दो एक स्मार्ट वॉच है बट परफॉर्मेंस काफी फ्लूइड है। 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, एक्सिनोस W920, जिन लोगों को थोड़ा सा नंबरों में विश्वास है बता दिया हमने उनके लिए। एक दो और नंबर भी बताता हूँ मैं, 1.5 GB रैम और 16 GB स्टोरेज। एक दो चीज और भी फायदे होते घड़ी होंगे, कभी मन करे हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, वॉच को भी धोने का मन करे तो वो भी हो जाएगा। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, इसमें ना एक वाटर लॉक करके फीचर है, तो अगर आपकी घड़ी में पानी चला जाता है और यहाँ से पानी एजेक्ट होगा भाई। हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, काफी सारी स्मार्ट वॉचेस में देखने मिलता है, बट इसमें एक बॉडी कॉम्पोजिशन का फीचर है। इसमें अगर मैं मेजर वाला बटन दबाऊं तो वेट में डाल दूंगा अपना 8 kg भाई, इसमें ऐसे फिंगर्स भी प्लेस करनी रहेंगी। ओ भाई ये क्या हो रहा भाई, एनिमेशन भाई, स्टे स्टिल बोल रहा कैसे। ओ मेरे वेट के हिसाब से इसने चीजें बताई है, वो काफी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि मैं ना इसको चेक कराता रहता हूँ रेगुलरली, और क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन ट्रैक कर लेता है। तो अगर समझ लो मैं ब्रेकफास्ट में मेरे को अगर बिरयानी का डालना है, एक्चुअली ये सारी वैल्यूज बताता है और इसके हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ, और मेरी वॉच उसी के हिसाब से मेरे को ट्रैक करके बताती रही। और क्योंकि इसमें वेयर ओएस है, तो आप मैसेजेस का रिप्लाई भी इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो, या फिर बीच वाला है जिसमें मैं टाइप कर सकता हूँ लेटर्स HELLO हेलो टाइप हो जाएगा भाई, या फिर अगर एक्चुअल कीबोर्ड से टाइप करना है उससे भी कर सकता हूँ, और बोल के टाइप करना है व्हाट्स द वेदर टुडे, ये सब चीजें ठीक है, बट इसमें एक्चुअली एक स्नोरिंग वाला फीचर है। ओ आप रात में आपके घर वाले नहीं, आपकी वॉच आपको पहले बता देगी कराटे कब मार गए। बेसिक जितने भी आप फीचर्स एक्सपेक्ट करोगे, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर है, फिर उसका स्ट्रेस मॉनिटर है, फिर उसके बाद बीट्स पर मिनट, SpO2, स्लीप ट्रैकिंग, ये सारी चीजें आराम से कर लेते हैं, बट वर्कआउट ट्रैक करना वेरी वेरी जरूरी। लेट्स गो 1, 2, 3, 24, 25। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली पॉज हो गया, इसको पता चल गया हम रुक गए, और 25 स्टेप्स मैंने कैलकुलेट करे, इसने 26 स्टेप्स लिखे हैं। नेक्स्ट वाला भाई हमारा एक रनिंग कोच करके फीचर है, ये एक्चुअली हमको बताएगा कैसे दौड़ना है। पहले वार्म अप करना है भाई, 10 मिनट तक वार्म अप करना है भाई, हमने कर लिया स्केट वाला फीचर ऑन, थोड़ा सा टफ है बट हमने हार नहीं मानी, वेट एक्सरसाइज करने वाला डाल दिया भाई हमने, 569,000 असली बॉडी बन गया है। इस वाली वॉच का प्राइस 24,000 से स्टार्ट हो रहा है और बड्स का प्राइस 12,000 से शुरू हो रहा है, बट इन दोनों पे काफी एक्साइटिंग प्री बुकिंग वाले ऑफर्स हैं। इस पे 4,200 का कैशबैक है और इस वाली वॉच पे 9,000। ओवरऑल मेरे को दोनों ही प्रोडक्ट्स काफी एक्साइटिंग है, और एक चीज जो है, जो पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और सारी इंटरकनेक्टिविटी है प्रोडक्ट्स के बीच में, वो मेरे को डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगी, और होपफुली आपको वीडियो भी उतनी इंटरेस्टिंग लगी। अगर लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।